शिमला किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आइए आप भी शिमला की खूबसूरत वादियों, पहाड़ों, झरनों, यहाँ की पारंपरिक फूड और कल्चर को करीब से महसूस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम आपके साथ प्री विंटर शिमला घूमने वाले हैं। नवंबर के शुरुआती हफ्तों का ये व्यू है। शिमला में कपकपाती सर्दियों की दस्तक के पहले हमारे शिमला वासी और पर्यटक शिमला में कैसे एंजॉय करते हैं, आइए देखते हैं। और यह खूबसूरत और अनोखा दृश्य है शिमला के रिज से। पूरे शिमला के व्यू को हम एंजॉय कर सकते हैं। और यह गर्म जोशी से भरा हुआ माहौल है शिमला के रिज का, जहां पे टूरिस्ट और लोकल पब्लिक भी खिली खिली धूप में एंजॉय कर रहे हैं। शिमला में नवंबर महीने में और विंटर के पहले खुला खुला आसमान होता है और काफी अच्छा मौसम भी होता है। वेदर काफ़ी क्लियर होता है और हल्की हल्की ठंड होती है। मीठी मीठी धूप में यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवा होती है उसका एक अनोखा ही अनुभव होता है। और साथ में यहाँ के जो टूरिस्ट हैं उनकी एक्टिविटी भी काफ़ी एडवेंचरस होती है, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। शिमला की यही तो खासियत है, कहीं से भी आप देखिए शिमला हमेशा पहाड़ों के रंगों में रंगा हुआ एक अनोखा दृश्य हमारे सामने प्रेजेंट करता है। शिमला के व्यू का जिक्र हो और यहाँ पे मंकी ना दिखाई दे तो फिर ये अधूरी हो जाएगी। यहाँ जगह जगह पे हमें मंकी भी खेलते हुए दिखाई दे देते हैं। और इस बार नवंबर में भी काफ़ी टूरिस्ट की रश देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ की शॉपिंग कर रहे हैं। लक्कड़ बाज़ार की शॉपिंग, मॉल रोड की शॉपिंग, साथ में अगर आप चाहें तो लोअर बाज़ार की शॉपिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ की शॉपिंग काफ़ी मेमोरेबल होती है और यहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस आपके लिए हमेशा के लिए लाइफ टाइम हो जाएगा। और ये है लक्कड़ बाज़ार, जो शिमला का मोस्ट पॉपुलर और फेमस टूरिस्ट मार्केट है, जहाँ पर लोकल पब्लिक की भीड़ तो होती ही है, साथ साथ ही यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ की शॉपिंग करना। लक्कड़ बाज़ार की खूबसूरती को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे। लक्कड़ बाज़ार एक साइड से तो पूरे दुकानों से सजी हुई है और उसके जस्ट अपोजिट आपको रंग बिरंगे स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड मिलेंगे, जिसमें चाइनीज़ भी होती है और शिमला का जो लोकल फूड होता है जैसे सिड्डू होगा, और भी यहाँ पे कई सारे जो लोकल फूड हैं उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और लक्कड़ बाज़ार में ही राम एंड सन्स की शॉप है, जहाँ पे लुच्ची छोले की काफ़ी वैरायटी मिलती है और बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ का लुच्ची छोला, जो फेमस है यहाँ पे पर्यटक के बीच में भी और यहाँ के लोकल पब्लिक के बीच में भी। और इतनी रश होती है वहाँ पर कि 3 बजे के बाद ही शॉप बंद हो जाती है, उनके जो छोले कुलचे हैं, लुच्ची छोले हैं, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। और देख ही सकते हैं कितनी टूरिस्ट की रश है यहाँ पे। और लक्कड़ बाज़ार में शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ के जो वुडन आइटम है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको वैरायटी में मिल जाएगी। और साथ में ही आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लक्कड़ बाज़ार से बाहर आते हैं और रिज से और लक्कड़ बाज़ार के बीच का ये दृश्य है, जहाँ पे यहाँ की लोकल जो लेडीज़ होती हैं वो हैंडमेड आपको शूज़ मिल जाएगी और बहुत सारे हैंडमेड हमको वुलन आइटम्स भी यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ से आप बहुत प्यारे प्यारे किड्स वुलन शूज़ ले सकते हैं जो हैंडमेड होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब सारी लेडीज एक साथ खिली खिली धूप में बैठकर हैंडमेड वुलन फैब्रिक और मटेरियल्स बनाती रहती हैं, साथ में ये गपशप भी करती रहती हैं। तो ये प्रतीक है अनेकता में एकता का, और सारी लेडीज एकजुट होकर ये सारे ड्रेसेस बनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये व्यू यहाँ का देखकर। साथ में ये सारे स्ट्रीट फूड है शिमला के। लक्कड़ बाज़ार से रिज के बीच भी हमें कई सारे स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड होते हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे हम रिज की तरफ बढ़ते हैं और रिज स्टार्ट होता है, हमें यहाँ पर घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, हमारे कानों तक उनके पैरों की खटखट की आवाज़ आती है और काफ़ी अच्छा दृश्य होता है। यहाँ पर घुड़सवारी आप कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग का भी एक अलग अनुभव है शिमला के रिज का, और देख ही सकते हैं टूरिस्ट कितना एंजॉय कर रहे हैं रिज पर हॉर्स राइडिंग को। और रंग बिरंगे घोड़ों की घुड़सवारी भी काफ़ी आनंदमय होती है। और अब हम पहुंच गए हैं मोस्ट लवेबल प्लेस रिज पर। अभी करीब शाम के 5 बज रहे होंगे और सनसेट भी हो रहा है, और साथ में ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रश है टूरिस्ट के।
और जैसे जैसे शाम होती जाती है और भी रश यहाँ पर बढ़ने लगती है और शाम को यहाँ का व्यू और भी देखने लायक होता है। और आप हमारे चैनल पर शिमला का इवनिंग व्यू भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करते हुए, आज सुबह से ही मौसम काफ़ी साफ है और सुहावना है और यहाँ पर काफ़ी रस देखने को मिल रही है, लोकल पब्लिक भी एंजॉय करते हुए। और वीकेंड में हम आए हुए हैं यहाँ पर, नवंबर के फर्स्ट वीकेंड में, तो देख ही सकते हैं कितनी रश है यहाँ पर। और ऐसी भीड़ कभी भी और किसी भी दिन हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि शिमला का रिज वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर और फेमस टूरिस्ट प्लेस है शिमला का। एंड यहाँ पर कहीं से भी बहुत अच्छी क्लिप आती है, अगर आप चाहें तो सेल्फी भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ टूरिस्ट सेल्फी को एंजॉय कर रहे हैं, और आप चाहें तो फोटोज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के लोकल फोटोग्राफर होते हैं वो भी आपके फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल आउटफिट में, और वो भी काफ़ी अच्छा मेमोरेबल होता है हमारे लिए। और यहाँ पर देखिए बबल्स को एंजॉय करते हुए, और ये देखिए शिमला की शान, यहाँ का चर्च, रिज का चर्च काफ़ी फेमस है और अंदर जाकर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का चर्च, और वहाँ पे आप फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। और दोस्तों रिज का माहौल ही इतना खुशनुमा होता है, इतना अच्छा होता है कि आप किसी भी मूड में आए यहाँ पर, अगर आप अपसेट भी हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, उस दिन आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ इतनी अच्छी जगह है और इतने अच्छे से हम यहाँ पर टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम बजरंग बली का जो स्टैचू देख रहे हैं, ये जाखू टेम्पल का है और ये काफ़ी ऊँचाई पर है, इसलिए रिज से ही हम इनको देख सकते हैं। और चर्च के पीछे ये जाखू टेम्पल दिखाई देते हैं और बजरंग बली हमें दिखाई देते हैं यहाँ से। जाखू टेम्पल भी वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, अगर आप आए तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप शिमला के रिज पर आए तो काफ़ी टाइम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे पास में ही है लक्कड़ बाज़ार और मॉल रोड भी है, साथ में रिज पर भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कैसे इतना टाइम निकल गया। तो काफ़ी टाइम लेकर आप यहाँ पर आएँ, और शिमला के रिज के आसपास, मॉल रोड के आसपास भी आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, तो आप अगर चाहें तो वहाँ पर ही आप अगर स्टे करें तो आपके लिए बेटर है। शिमला के मॉल रोड और रिज के पास जो होटल्स है वहाँ से आपको सारे टूरिस्ट प्लेस काफ़ी नज़दीक होंगे और आपको जाने में आसानी होगी। शिमला के ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ यहाँ की जो ज्वेलरी है, पारंपरिक ज्वेलरी काफ़ी सूट करती है, और यहाँ पे कुछ गर्ल्स शिमला के ट्रेडिशनल आउटफिट में डांस करते हुए, यहाँ के लोकल डांस को एंजॉय करते हुए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो शिमला के रिज पर आपको काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो यहाँ के ट्रेडिशनल आउटफिट में आपकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आपकी क्लिप निकाल सकते हैं, और वो काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट। शिमला का जो ट्रेडिशनल आउटफिट है और जो ज्वेलरी है वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है, और अगर आप ये पहनकर फोटोग्राफ्स लेते हैं तो आप काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे हैं रिज से होते हुए मॉल रोड की तरफ। और मॉल रोड की क्या कहने, मॉल रोड अपने आप में ही अनोखा है, और वहाँ पे शॉपिंग अगर आप करेंगे तो ओ माय गॉड, पता नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया, और एक से बढ़कर एक आपको ब्रांडेड शोरूम दिखेंगे। और यहाँ से ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ शिमला के मॉल रोड का व्यू, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है मॉल रोड। और जैसा कि आज संडे है, वीकेंड में हम आए हुए हैं, तो थोड़े से शॉप बंद पड़े हुए हैं, और वीकेंड में या संडे को 50% शॉप ऑफ होती है और 50% शॉप ऑन होता है, तो अगर आप चाहें तो सैटरडे को ही आए या और दिन आए संडे को छोड़कर, तो ज़्यादा अच्छे से आप खुलकर शॉपिंग कर पाएंगे। और देखिए ये मॉल रोड की रौनक और चहल पहल, एवरीडे यहाँ पर काफ़ी माहौल अच्छा होता है, रौनक होती है। अभी हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं मॉल रोड की तरफ, पूरा मॉल रोड ही काफ़ी ग्रैंड और डेकोरेटिव लगता है। शिमला के मॉल रोड का लुक, इनफैक्ट पूरे शिमला को ब्रिटिश आर्किटेक्चर के डिज़ाइन में बिल्ड किया गया है और मेंटेन भी किया जाता है, साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, हाइजीन भी काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। पूरे शिमला में कहीं भी प्लास्टिक नहीं मिलती, प्लास्टिक बैन होता है।
ब्रिटिशर्स के लिए शिमला समर कैपिटल माना जाता था और वो अपना विंटर वेकेशन शिमला में ही स्पेंड करते थे और शिमला उनका फेवरेट प्लेस हुआ करता था। तो उन्होंने पूरे शिमला को, यहाँ के रोड्स को, यहाँ के मार्केट को अपने डिज़ाइन में बिल्ड किया है। शिमला के किसी भी कोने से अगर हम शिमला को देखें निहारे तो हमारा शिमला हमेशा की तरह ऐसा ही खूबसूरत, साफ सुथरा और अनूठा दिखेगा। और अभी जैसा हम लोग मॉल रोड पे पहुंच गए हैं और यहाँ से शिमला का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, यहाँ से आप सेल्फी ले सकते हैं और सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं। शिमला के मॉल रोड और रिज पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट है और फूड आइटम्स भी है और ये है जश्न रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी कई सारे फेमस मूवी की शूटिंग भी हुई है और जश्न रेस्टोरेंट में भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यहाँ के फूड आइटम्स को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे अगर आप जाएँ और वहाँ से अगर आप फूड आइटम्स एंजॉय करें तो साथ साथ आपको व्यू भी देखने को मिलेगा शिमला का। यहाँ पे जगह जगह पे इतने अच्छे सेल्फी पॉइंट है और बैकग्राउंड व्यू है कि हर जगह ही सेल्फी लेने का मन होता है, फोटोग्राफ्स क्लिक करने का मन होता है। मॉल रोड पे घूमते घूमते अब हम आगे पहुंचने वाले हैं और यहाँ के स्कैंडल पॉइंट पे हम जाएंगे और बीच में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ का फेमस कृष्णा ट्रेडर्स और यहाँ का त्रिशूल बेकर्स, जहाँ पे आपको यहाँ के बेकरी आइटम और वेज नॉन वेज और बहुत सारे स्नैक्स और बेवरेज भी मिल जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं त्रिशूल बेकर्स और वहाँ पे मोमोज जो वेज और नॉन वेज होते हैं, साथ में चिकन काठी रोल भी काफी पॉपुलर है। त्रिशूल बेकर्स में वैरायटी ऑफ डिलीशियस बेकरी आइटम्स मिलते हैं एंड कई सारे वैरायटी के केक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, पेस्ट्री मिल जाएंगे, मोमोज की भी कई सारी डिलीशियस वैरायटी मिल जाएगी। तो अगर आप मॉल रोड पर आएँ तो यहाँ पर आप त्रिशूल बेकर्स में कई सारे फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ का मोमोज काफ़ी पॉपुलर है एंड यहाँ त्रिशूल बेकर्स से ये सारे मॉल रोड का व्यू है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। पूरे शिमला में खासकर मॉल रोड पर साफ़ सफाई काफ़ी मेंटेन किया जाता है और हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आप कहीं भी स्पीड वगैरह नहीं कर सकते हैं, इससे आपको जुर्माना भी लग सकता है। इस रास्ते से हम लोअर बाज़ार और मिडल बाज़ार भी जा सकते हैं और दोनों साइड स्ट्रीट फूड है और यहाँ पर छोले भटूरे भी बहुत अच्छे मिलते हैं और यहाँ पर हो रही है शूटिंग किसी फिल्म की। और त्रिशूल बेकर्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं स्कैंडल पॉइंट के पास और ये है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। शिमला के हर प्लेस की अपनी खासियत है, नई कहानी है और ये काफ़ी बड़ा है मॉल रोड और रिज, तो यहाँ पे कई सारे फिल्मों की शूटिंग भी होती है। घूमते घूमते अब हम लोग पहुंच गए हैं शिमला के स्कैंडल पॉइंट पे। स्कैंडल पॉइंट रिज से जस्ट नीचे को है और स्कैंडल पॉइंट की भी एक अपनी कहानी है। स्कैंडल पॉइंट भी शिमला का जाना माना पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और यहां पर भी आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आता है। स्कैंडल पॉइंट पे आप ढेर सारी सेल्फी भी ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जगह जगह पे बैठने के लिए भी बेंचेस वगैरह लगे हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के खिली खिली धूप को एंजॉय कर सकते हैं और विंडो शॉपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, आज का ये हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। शिमला का प्री विंटर आपने एंजॉय किया होगा और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये मौसम भी आपके लिए सुटेबल है, आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आकर एंड हमारे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे शिमला आना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अच्छे से समझें और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।